Hi guys, Assalamualaikum. I hope you all are enjoying good health. Please subscribe our channel and press the bell icon to receive the latest videos. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, Assalamualaikum. I hope you all are enjoying good health. Students, today we are going to start our new chapter, chapter number 5, FSC part 1. First year का ये पांचवा chapter है, atomic structures. आज हम इसका पहला lecture start करेंगे. First lecture के अंदर हम पढ़ेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर सबसे पहले जो है वो कौन सा पार्टिकल डिस्कवर हुआ उसके बारे में डिस्कस करेंगे. इस चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं. सबसे पहले हैं हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे. प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुए, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए, देन डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस होगी. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को स्टडी करेंगे, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी को स्टडी करेंगे. स्पेक्ट्रम्स जो हैं उनका ओरिजिन क्या है, उनकी कितनी टाइप्स हैं, उसके अंदर डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं बोहर मॉडल के अंदर, इन सब चीज़ों को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. उसके साथ साथ ही एक्सरे एटॉमिक नंबर का जो रिलेशनशिप है मोज़ले लॉ के अकॉर्डिंग उसको भी स्टडी करेंगे. फिर जो है वो हम वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर को स्टडी करेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड द एट लास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर हम डिफरेंट रूल्स जो है आप वो प्रिंसिपल होगा, पॉलीरिक्सियन रूल्स होंगे, डिफरेंट रूल्स होंगे जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या डिस्ट्रीब्यूशन के स्टडी करेंगे. सो टूडे आवर फर्स्ट टॉपिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. सबसे पहले इसकी ब्रीफ हिस्ट्री, हल्की सी हिस्ट्री इसकी डिस्कस करते हैं. एक्चुअली मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. मैटर जो है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं. अकॉर्डिंग टू सर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. सर डाल्टन जो थे इन्होंने एक थ्योरी पेश की थी कि एटम का वर्ड एटमोस से निकला है, दैट मीन्स अनडिविजिबल, जिसे हम फर्दर जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते. बट जो मॉडर्न रिसर्चर्स हैं, हमारे मॉडर्न रिसर्चर्स, उन्होंने शो किया कि एटम फर्दर डिविजिबल है और इसके सेवरल सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन. ये काफ़ी चीज़ें इन्होंने डिस्कवर की बाद में जाके. इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा भी बहुत से पार्टिकल्स होते हैं जो हम एटम के अंदर डिस्कवर हो चुके हुए हैं. तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कैथोड रेज जो थी इनके बारे में हम स्टडी करेंगे. 19th सेंचुरी के अंदर सर विलियम क्रूक्स ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया. इन्होंने स्टडी किया पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट को, ये देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इलेक्ट्रिक करंट को एक गैस के अंदर से डिफरेंट गैसेस के थ्रू इन्होंने पास आउट किया यूजिंग डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल करते हुए. इसके अंदर क्या हुआ, नॉर्मल प्रेशर था और जो हमारा वोल्टेज था वो बहुत ज़्यादा जो है वो हाई किया गया और प्रेशर को बहुत लो किया गया इस पर्पज़ के लिए. एट नॉर्मल प्रेशर, जो नॉर्मल प्रेशर था, गैसेज डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इवन इफ द वोल्टेज इज एज हाई. जो लो प्रेशर होता है उस पर जाके जो गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और जो नॉर्मल प्रेशर होगा उस पे वो नॉर्मल जो है वो उसको कंडक्ट नहीं करेंगे. सो इस पर्पज़ के लिए प्रेशर को लो करते हुए हमने 0.01 टॉर तक इतना मिनिमाइज प्रेशर किया, जो कि बहुत ही लो वैल्यू है प्रेशर की. देन हाई वोल्टेज हमने 5000 से 10,000 वोल्टेज जो है वो हमने अप्लाई किया. ही ऑब्जर्व दैट द यूनिफॉर्म ग्लो डिसअपीयर्स एंड फ्लोरेसेंस अपीयर्स. इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्लोरेसेंस जो है वो प्रोड्यूस होती है. फ्लोरेसेंस किस तरीके से प्रोड्यूस होगी ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसकी जो है पिक्चर भी दिखाऊंगा. एक्चुअली क्या हुआ क्या था, दिस इज एक्चुअली ड्यू टू द स्ट्राइकिंग ऑफ सम रेज ऑन द ग्लास वॉल. शीशे की जो वॉल थी उसके ऊपर कुछ रेज जो थी वो जाके स्ट्राइक की, टकराई, और वही रेज को हमने बाद में कैथोड रेज का नाम दिया. द कलर ऑफ फ्लोरेसेंस डिपेंड अपॉन द कम्पोजिशन ऑफ ग्लास. जो फ्लोरेसेंस का कलर था वो गैस की कंपोजिशन पर डिपेंड नहीं करता था, वो ग्लास की कंपोजिशन पर डिपेंड करता था. नेक्स्ट आप देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज. कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहले 1869 के अंदर हिट्रॉफ ने बता दिया था कि ये जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, स्ट्रेट लाइन में किस तरीके से मूव करेंगी, कैथोड सर्फेस से परपेंडिकुलर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है ये मूव करती हैं. अब सेकेंड प्रॉपर्टी है दे पोसेस मोमेंटम, इनका कोई मोमेंटम होता है. इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, दीज कैन ड्राइव अ स्मॉल पैडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ. अगर इनके रास्ते में कोई छोटा व्हील रखा जाए तो ये उससे स्ट्राइक करके उसे मूव करवा सकती हैं और उससे हमें पता चलता है कि ये जो है वो मोमेंटम जो है वो प्रोसेस करती हैं, क्योंकि आपने फिजिक्स के अंदर स्टडी किया है मोमेंटम इज इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इट मींस ये इनका कुछ मास था, इस वेलोसिटी के साथ इसको स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करते हुए ये आगे गई, तो इन्होंने इसमें एनर्जी ट्रांसफर की, दैट इज वाई ये जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये 1895 के अंदर पैरेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था। ये देखें जब इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये जो सारी कैथोड रेस थी ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एनोड की तरफ मूव कर गई, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करती हैं जब वॉल के साथ, ग्लास वॉल के साथ टकराती हैं। ये देखें ग्रीनिश फ्लोरिसेंस ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल्स ऑफ ट्यूब, ट्यूब के साथ स्ट्राइक करते ही ग्रीनिश फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती है। आल्सो प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस इन रेयर अर्थ एंड मिनरल्स। कुछ अगर आप इसके अंदर मिनरल्स वगैरह या रेयर अर्थ मेटल्स इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे भी ये जो है वो फ्लोरेसेंस अपीयर करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है दे कैन प्रोड्यूस्ड एक्स रेज। ये एक्स रेज प्रोड्यूस कर सकती हैं। ये हमने एक्स रे के टॉपिक में बहुत डिटेल में जाके इसको स्टडी करेंगे। वन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, जो बहुत ही तेज रफ्तार से हरकत करने वाले इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक विद द हैवी मेटल, बहुत ही हैवी मेटल के साथ स्ट्राइक करते हैं तो बहुत छोटी छोटी वेव लेंथ की, ये देखें ये जो ब्लू कलर में लाइन्स यहाँ पे रिप्रेजेंट की जा रही हैं ये एक्चुअली एक्स रेज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एक्स रेज क्या है, ये बहुत स्मॉल वेव लेंथ की जो है वो वेव्स होती हैं। ये हम इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि जिसकी वेवलेंथ जितनी ही स्मॉल होगी उसकी एनर्जी एक्चुअली उतनी ही ज्यादा होगी। तो एक्स रेज की एनर्जी जो है बहुत ज्यादा होती है ड्यू टू द शॉर्टर वेवलेंथ। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, देखें दे प्रोसेस एनर्जी। ये मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया कि जब आप उसके रास्ते में कोई पैडल रखते हैं मोमेंटम जो है वो मोमेंटम की वजह से ये मूव करती है तो एक्चुअली वहाँ पे वो एनर्जी ही ट्रांसफर कर रही होती हैं। इसके अलावा स्ट्राइकिंग एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करती हैं उसमें हीट प्रोड्यूस करती हैं। देन दे कैन ईजिली आयनाइज गैसेज। ये हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि कैथोड रेज एक्चुअली क्या है, वहाँ पे मौजूद गैस को आयनाइज भी कर सकती हैं। दे कैन कॉज केमिकल चेंज, इवन ये किसी भी चीज़ के अंदर केमिकल चेंज भी जो है वो कर सकती हैं, जो गैस वहाँ पे मौजूद होगी उसकी केमिकल नेचर भी चेंज कर सकती हैं। दे कैन रिड्यूस एनी सब्सटेंस, वहाँ पे इसको रिड्यूस भी कर सकती हैं। पास थ्रू थिन फॉइल, इट मींस इनकी पेनिट्रेशन होती है लेकिन बहुत कम है। हाउएवर वो आपने जो है वो 10th क्लास में अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस किया है कि जो हमारे पास अल्फा रेज हैं, गैमा रेज हैं, बीटा रेज हैं, इनमें से कौन सी ज़्यादा पेनिट्रेट करती है, कौन सी ज़्यादा आयनाइज करती है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद 1877 के अंदर जे जे थॉमसन ने इनकी चार्ज टू मास रेशियो डिस्कवर की, जो कि हम इंशाल्लाह अपने इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको डिटेल में बताएंगे कि वो किस तरीके से मैयर की थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंक्लूजन, देखते हैं इसका क्या है। जे जे थॉमसन प्रूव दैट दीज रेज आर एक्चुअली स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जे जे थॉमसन ने ओवरऑल इसको कंक्लूड कर दिया कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये जो रेज हैं, और स्टोने जो थे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन रेज को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया। आई होप बच्चा आप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप किसी टॉपिक की वीडियो जल्द चाहते हैं तो उस टॉपिक का नाम जो है वो बताएं, हम आपको उसकी वीडियो जो है वो जल्द से जल्द बना के उस टॉपिक पे अपलोड करेंगे। या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।